हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड के फर्स्ट ईयर का एक पेपर है, पेडागॉजी ऑफ फाइन आर्ट्स, इसका प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रही हूँ। देखिए, 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और आपको इस पेपर के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। 5 क्वेश्चंस, मतलब आपको टोटल 9 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है इसमें कि जो सेक्शन ए में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। और सेकंड क्वेश्चन से या सेक्शन बी से यू कैन से कि वहाँ से आपको हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है चारों पार्ट्स के ऊपर। पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज आर्ट अप्रिसिएशन, कला प्रशंसा क्या है, ये आपका 4 मार्क्स की वेटेज में है। सेकंड है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, निरूपण क्या है, ये भी आपका 4 मार्क्स की वेटेज में है। थर्ड है, व्हाट इज प्रस्पेक्टिव, दृष्टिक्रम क्या, सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है, ये भी 4 मार्क्स की वेटेज में है। व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन, दशिगष्ट संदेश साधन क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। तो ये देखिए, चारों क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में हैं और ये चारों पार्ट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर यूनिट 1 से स्टार्ट है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 16 मार्क्स की वेटेज में, और आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आपको अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, पहला तो कला क्या है, दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा में कला का क्या महत्व है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन इन डिटेल, दैनिक जीवन में कला का क्या महत्व है, विस्तार से इसकी व्याख्या आपको करनी है। सो यूनिट 1 के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस इन द आर्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, वेट अ मिनट, कला शिक्षा में शैक्षिक विश्लेषण का अर्थ और महत्व आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 का, राइट एन एसे ऑन द विजिट इन आर्ट एग्जीबिशन, कला प्रदर्शनियों में भ्रमण पर एक निबंध लिखिए। जैसे मानिए कहीं पे कोई आर्ट एग्जीबिशन था, आप वहाँ पे गए, आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने चीज़ें देखी, वो सब चीज़ें आपको अपने वर्ड्स में ऐसे की फॉर्म में प्रेजेंट करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स का है, दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आए अच्छे से वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर टू टीच फाइन आर्ट्स, ललित कला को पढ़ाने के लिए कितने प्रकार की विधियां हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू डेवलप द स्किल ऑफ आर्ट अप्रिसिएशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, कला प्रदर्शन के कौशल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये भी आपका 16 मार्क्स की वेटेज में है। लास्ट आती है हमारी यूनिट 4, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगेन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता हो वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द गुड क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडल आर्ट टीचर, एक्सप्लेन करें, एक आदर्श कला अध्यापक के अच्छे गुणों की व्याख्या आपको करनी है, ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इवेल्युएट स्टिल लाइफ पेंटिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठोस वस्तु चित्रकला का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, विस्तार से बताना है, और क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स की वेटेज में है। सो ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू।